तबका का डर। तो ये कहानी है, तो इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती गुड़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वो मन ही मन झुझला रही है। वर्षा से परेशान एक बार गुड़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। गुड़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो यहाँ इस टाइप की ये कहानी है, तो मैं पढ़ रही हूँ तो आपको अंदर ध्यान देना है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में गुड़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही गुड़िया का घर टपकने लगा। गुड़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि बरसात के दिन थे और चारों ओर पानी बरस रहा था और जंगल में एक गुड़िया का घर था और वो भीग रहा था। तो उसमें से वो पानी अंदर टपक रहा था घर में, तो गुड़िया इसीलिए परेशान हो गई थी, पर करेगी क्या, अभी छप्पर बारिश में कैसे उसको छाए। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बैर बराबर ओले। उधर एक बाप ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह गुड़िया के घर के पास पहुंचा। तो ये बारिश बहुत भारी बारिश आ रही थी और उसमें ओले, तो जो बर्फ के पड़ते ना टुकड़े बारिश में, ओले उसको कहते हैं। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लग गए। तो जो ओले थे वो बैर बराबर, जो बेर आप खाते हो ना उसके बराबर बड़े बड़े ओले थे। तो उधर एक बाघ जंगल में, एक बाघ ये जो बारिश ओलों की हो रही थी उससे परेशान हो उठा था और कुत्ते फांदते वह गुड़िया के घर के पास आ पहुंचा। गुड़िया अंदर चावल पका रही थी, चूल्हे पर पानी टपक रहा था टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। तो गुड़िया अंदर घर में चावल पका रही थी, चूल्हे पर पानी, उसके चूल्हे पर पानी बारिश का टपक रहा था टप टप। तो वो एकदम झुंझला उठती है, परेशान उठती है और कहती है कि मुझे टपके से इतना डर लगता है कि बाघ से मुझे उतना डर नहीं लगता। तो ये वो बोल रही थी तब बाघ वहां पर ये सुन रहा था। तो बाघ ने सोचा, गुड़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सीट पर पैर रखकर भाग गया। तो बाघ जो ये गुड़िया के घर के पास खड़ा था, वो ये गुड़िया की बात सुन रहा था। उसने सोचा कि टपका मेरे से भी बड़ा कोई जानवर होगा। तो